जैन दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अनबॉक्स रेड गियर के कॉमेट 7.1 एंड ये 7.1 सराउंड साउंड हेडफोन है एंड प्रोग्रामेबल है। सामने बॉक्स पे दिया, मतलब इसका खुद का सॉफ्टवेयर आता है जिसको आप यूज करके सारे एस्पेक्ट इसके माइक्रोफोन से लेकर के साउंड के आप कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि इतनी जरूरत होती नहीं है, लाइक बेसिक ही होता है सॉफ्टवेयर, बाकी वो सारी सेटिंग्स आप बिना उसके भी कर सकते हो यूज, बट लाइक 3D यूज करना उसका तो चाहिए होता है। एंड पहले देख लेते बॉक्स को, एंड बॉक्स मुझे ऐसे ही मिला, ये ऐसा लग रहा है किसी ने रिटर्न किया था, वो मेरे को दे दिया है। एंड ये होना चाहिए था रिन्यूड में, बट ये मेरे को पूरा पे करना पड़ा। सील भी देख रहे हो आप, इधर से उड़ी हुई है, बट कोई ना, करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं हेडफोन की कैसी स्थिति में हेडफोन है। हेडफोन अगर ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। एंड बॉक्स के अंदर इन बॉक्स कंटेंट है, ये एक मैनुअल या गाइड जिसमें दिया है कैसे यूज करना है आपको सॉफ्टवेयर एंड ऑल, कहाँ से डाउनलोड करना है। एंड ये CD है, एंड CD होने का फायदा बहुत है। मान लीजिए कभी उन्होंने डिसाइड किया कि ये बेचना बंद करना उनको, या उनकी साइट क्रैश हो जाती है या कंपनी बंद हो जाती है, तो एटलीस्ट CD है तो अच्छी बात है। नहीं तो आप ऑनलाइन भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास DVD ड्राइव नहीं है तो, बट ये आप संभाल के रखना, फ्यूचर में काम आएगा। एंड साथ में मिलता है नेटगियर का स्टिकर, और कुछ है नहीं बॉक्स में। प्राइस अराउंड 2000 है इसकी, एंड जो बॉक्स पे प्राइसिंग जो लिखी हो दिखा देता हूँ मैं आपको, वो है 3000 अराउंड, 2999 है प्राइस। एंड हम देख लेते हैं हेडफोन को, ये रहा हमारा हेडफोन, यूज तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं लगता लाइक कुछ मार्क्स तो नहीं है हेडफोन पे। एंड ये इधर आपका है माइक्रोफोन को म्यूट करने का बटन, एंड इसी से आप LEDs को कंट्रोल कर सकोगे। एंड ये एल्युमिनियम का दिया है आपको, अच्छी क्वालिटी का है, वेटी है थोड़ा हेडफोन, कॉस्मो से कम वेट लग रहा है मेरे को मे बी। एंड माइक में इधर आपको एक LED दिया है रेड कलर का। एंड हम करते हैं इसको यूज चल के, एंड देखते हैं कैसा साउंड है। एंड ये हेडफोन मैंने किया है यूज, थोड़ी देर गेमिंग किया, केबल इसकी अच्छी है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आपकी कॉस्मो मिलती है, बट कॉस्मो थोड़े हैवी हैं एंड उनसे बेटर माइक है, कॉस्मो से इसका माइक बेटर है, लाइक सेंसी ज़्यादा है इसकी, मतलब साउंड कैप्चर अच्छा करता है। कॉस्मो का भी अच्छा है, थोड़ी सेटिंग्स आपकी उसकी, लाइक इसमें कुछ आपको सेटिंग्स नहीं करनी है, नॉइस सप्रेशन थोड़ा डालना, उसका थोड़ा सा आपको लाइक डेसिबल बढ़ाना पड़ता है, साउंड अच्छी है। एंड इसका लुक जो है, प्रोज मैं बता रहा हूँ आपको, इसका जो ये थोड़ा उससे लाइट वेट है कॉस्मो से, एंड अभी जैसा आप देख सकते हो इसका ना लाइक लाइटनिंग इफेक्ट बेटर है कॉस्मो से, तो माइक्रोफोन बेटर है, लाइटनिंग इफेक्ट बेटर है, एंड थोड़ा लाइट है। कॉस्मो थोड़ा ज्यादा हैवी है, बट वो थोड़ा ज्यादा स्टडी भी फील होता है। जो भी है, कंपनी ने लाइक अपग्रेड किया है। कई लोगों का क्वेश्चन था कि जब कॉस्मो था तो ये क्यों, तो इसका लुक उससे बेटर है। मे बी कॉस्मो में कुछ शिकायतें आई थी, वो बहुत ज्यादा भारी था, तो उसको थोड़ा हल्का किया, बहुत हल्का नहीं किया है बट फिर भी। एंड इसका माइक्रोफोन कॉस्मो से बेटर है, एंड कॉस्मो में बट आपको मिलती है बेटर केबल, एंड उनका एक रिमोट कंट्रोल होता है बीच में वायर पे, वो इसमें नहीं मिलती आपको, यहाँ पे रॉकर इधर ही है आपका। तो जो इशू इसमें मैंने फेस की वो ये है कि जब मैं खेला था काउंटर स्ट्राइक, तो मेरे को ऐसा थोड़ा फील हुआ कि एक साइड से यानी लेफ्ट साइड में इससे ज़्यादा नॉइज़ आ रही, मेरे को साउंड ज़्यादा है, नॉइज़ साउंड ज़्यादा आ रही। साउंड बहुत सही है, बहुत लाउड है ये, बहुत अच्छा है। एंड मैंने 5.1 पे किया क्योंकि काउंटर स्ट्राइक में 7.1 का ऑप्शन था, 3D किया था मैंने सॉफ्टवेयर से। एंड मेरे को जो इशू फेस हुआ वो ये हुआ कि मेरे को लग रहा था लेफ्ट साइड थोड़ा ज़्यादा साउंड आ रही है बंदों की, एंड देन फिर मैं PUBG खेला PC पे, देन उसमें ये कंफर्म हुआ मेरे को। एंड देन मैं गया इसका रिव्यू पढ़ने, मैंने सोचा कुछ थोड़े क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लूँ, जो रिव्यूनिंग क्वेश्चन जो होते हैं आपके अमेजन पे, तो वहाँ गया तो मेरे को पहले ही उसमें एक बंदे का रिव्यू देखा, जिसमें वो उसका कहना था कि उसने पहला जो इसको उसने मंगाया
उसमें उसको लेफ्ट साइड से साउंड ज़्यादा तेज़ आ रही थी राइट से, देन उसको उसने रिटर्न किया, एंड मैं वो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे, उसको रिटर्न किया, जो सेकंड उसका आया रिप्लेसमेंट उसमें भी यही इशू उसको थी। एंड मेरा जो बॉक्स आपने देखा है वो लाइक ऐसा ओपनड बॉक्स जैसा था, मैंने देखा था कोई सील नहीं थी साइड में, तो मे भी हो सकता है मेरे पास उसका ही या उसके जैसे किसी ने रिटर्न किया हो उसका ही हेडफोन आ गया हो वापस, तो मैं करूँगा इसको रिटर्न एक बार। एंड नेक्स्ट जो आएगा हेडफोन उसका अगर वो सही निकला तो बकायदे अच्छे से रिव्यू करूंगा, सही नहीं निकलता तो रिटर्न कर दूंगा, तो इसका रिव्यू नहीं आने वाला। एंड मैंने इसको यूज़ किया BGMI में OTG केबल के थ्रू, एंड वहाँ साउंड बेसिक थी, आपको लाइक स्टीरियो ईयरफोन्स जैसे आते हैं वैसा ही साउंड आपको मिलेगा। रीज़न भी है कि BGMI जो है वो स्टीरियो ही सपोर्ट करता है, 7.1 नहीं सपोर्ट करता है, तो ऐसा नहीं ये ख़राब था, आपके बेसिक हेडफोन्स जो आते हैं अच्छे, ऐसा नहीं ख़राब, बट अच्छे हेडफोन्स आते हैं वैसे साउंड मिलेगा, ऐसा कुछ खास आपको 7.1 का डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर इसमें आपके इशू आते हैं, ये सबसे अच्छा सुंदर दिखने वाला है, मेरे को तो ये चाहिए, ये गजब दिखने वाला है, मैं इसको अपने टेबल पर रखूंगा, बट फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ट्राइडेंट लो, एंड उसका भी रिव्यू आने वाला है, एंड इन तीनों का ही कंपैरिजन आने वाला है, इसका ट्राइडेंट का एंड कॉस्मो का चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको इंटरेस्ट है उसको देखने में। एंड एक तो ट्राइडेंट का फुल ऑन रिव्यू लाइक उसका माइक टेस्ट सभी माइकों के साथ, स्नोबॉल आइस एंड शेडो वॉक्स ये सब के साथ, एंड साउंड का रिव्यू ये आपका कल आ जाएगा चैनल पे। प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। देखते हैं अगर इसका सही नेक्स्ट रिप्लेसमेंट मेरा आ जाता है तो इसका ढंग से रिव्यू करेंगे, पूरे सॉफ्टवेयर के साथ करेंगे। अभी तो फिलहाल इतना ही, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ स्टे हेल्दी, थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें, एंड सबसे बड़ी बात स्टे पॉजिटिव, गुड बाय।